स्क्रीन में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो वो ये वाला चैप्टर भी हमने जल्दी जल्दी ज़रा किया था, स्वैपिंग इमेजेस विद क्लास नेम। वेल, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ऐसे ये वाला जो चैप्टर है स्वैपिंग इमेजेस वाला, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है यार। वो इन्होंने जस्ट ये किया है कि प्रोग्रामेटिकली जो है ना, उस एलिमेंट को गेट करके ना, और उसका डॉट एच रेफ जो है वो रीड करना भी सिखाया है और राइट करना भी सिखाया है। सही है कि एच रेफ इस वक्त क्या है, वो रीड भी कर सकते हैं आप और कोई दूसरा एच रेफ भी उसमें लगा सकते हैं। जाहिर है दूसरा एच रेफ जैसे ही आप लगाएंगे तो वो इमेज ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, सेटिंग स्टाइल ये भी हमने कवर कर लिया था। इन्होंने बोला कि जी आप किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, पकड़ के क्लास नेम उसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं, प्लस इक्वल्स टू का मतलब है कि क्लास नेम के अंदर पहले से जो है वो भी रहे और वो उसमें मज़ीद एक क्लास ऐड कर रहे हैं। दूसरा, आप डॉट स्टाइल करके और कोई भी सी एस एस स्टाइलिंग आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कि जैसे डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अच्छा, इसमें फॉन्ट साइज़ का जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। उसमें क्या होता था, फॉन्ट साइज़ इस तरह नहीं होता था, फॉन्ट डैश साइज़ होता है। सही है, इसी तरह बैकग्राउंड डैश कलर होता है सी एस एस में। तो इसमें ये कैमल केस में होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, लेकिन वो जाहिर है जब आप लिखना शुरू करेंगे ना वी एस कोड में, तो वो सजेशन में एक तो दे देता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। और दूसरा, अगर वहाँ पे भी आपको ना मिले तो फिर एम डी एन पे जाके आप देख सकते हैं कि जी जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना कौन कौन सी क्या कहते हैं सी एस एस की जो प्रॉपर्टी है उसकी स्पेलिंग एक्चुअली क्या है। ठीक है, इन्होंने जैसे फ्लोट हम लिखते हैं सी एस एस में, हमने तो वैसे फ्लोट नहीं पढ़ा, हमने वो फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा है नया वाला, तो फ्लोट इस तरह करके लगा सकते हैं। विजिबिलिटी करना है तो ये इस तरह, तो कुछ की इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन जाहिर है वो सारे सी एस एस की एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए। ठीक है, इसी तरह उस किसी भी सी एस एस की प्रॉपर्टी को रीड करना भी यहाँ पे सिखाया है कि जी पिक्चर डॉट मार्जिन के इस पर इस वक्त मार्जिन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप गौर से कि इसको गेट कंप्यूटेड स्टाइल करके इसने एक चीज़ इस्तेमाल की है, एलिमेंट को गेट नहीं किया, गेट कंप्यूटेड स्टाइल इसने लिखा है यहाँ पर। तो इसको करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अच्छा ये इस तरह वाकई चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जब भी आपके जहनों में सवाल आएगा, आई होप कि आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया, लिख के अपने हाथ से नहीं देखा अभी तक, ठीक है, वरना ज़रूर सवाल आते हैं। ये लास्ट वाले में तो ऑब्वियसली सवाल आपके जहन में आएगा, सवाल क्या बल्कि एरर आएगा एक। सही है, इसको जब आप चलाएंगे ना तो होपफुली आप जब जिस तरह आपने सोचा हुआ है चलेगा, ये उस तरह नहीं चलता, इसमें आपके पास आएगा एक एरर। वेल, करके देखिएगा वो फिर बताइएगा मुझे। अच्छा जी, टारगेट ऑल एलिमेंट बाई टैग नेम। अच्छा, टैग नेम से जब आप किसी भी एलिमेंट को गेट करते हैं तो क्या होता है, आपके पास एरे की सूरत में आता है। मिसाल के तौर पे आपकी पूरी वेबसाइट में एक ही पैराग्राफ है और आपने क्या किया, आपने ऐसे करके गेट किया ना जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम और पी लगा दिया, तो है तो एक ही पैराग्राफ लेकिन स्टिल यू गोना गेट एन एरे विथ ओनली वन इंडेक्स। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट नहीं है आपके, मिसाल के तौर पे आपने एच वन तलाश किया ऐसे कि जी गेट एलिमेंट बाई टैग नेम एच वन, आपकी वेबसाइट में एच वन है ही नहीं, फिर भी आपको वो एरे देगा, एम्प्टी एरे देगा। सही है, अगर चार एच वन है तो चार इंडेक्सेस वाला एरे देगा, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसमें तो अनडिफाइंड मिल जाता है, इसमें एरे आपको मिलता है। ठीक है, अच्छा, एरे जब मिल गया आपको तो क्या होता है कि फिर आप ना, मिसाल के तौर पर ये तीन पैराग्राफ है, तो इन्होंने बोला अच्छा जी आप क्या करोगे, तीनों पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आप लूप चला के कर दो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देखें इन्होंने बोला कि यार आप लूप चलाओ और ये पैराग्राफ जो, क्योंकि एरे था ये, तो पैराग्राफ का इंडेक्स आई डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली, ये डॉट स्टाइल डॉट, अच्छा फॉन्ट फैमिली में वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फॉन्ट फैमिली अगर आप पेरेंट का चेंज कर दें तो सारे चाइल्ड का चेंज हो जाता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। बट कुछ केसेस में आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर इज़ नॉट इनहेरिटेड, बॉर्डर अगर पेरेंट को लगाएंगे तो चाइल्ड को ऑटोमेटिक नहीं लगता। ठीक है, नॉट इनहेरिटेड है ये। इसी की कुछ एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे और करके दिखाई है कि जी आप ना IMG करके तमाम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को उठा सकते हैं, डिफ करके तमाम डिफ को उठा सकते हैं, और UL करके तमाम अनऑर्डर्ड लिस्ट को उठा सकते हैं। तो किसी भी टैग के नाम के साथ आपको वो सारे टैग मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और भी आपने ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि जी वो आपको ना किसी, मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास आपकी वेबसाइट में 150 पैराग्राफ हैं। अच्छा, कोई पैराग्राफ वो मेन बॉडी में, कोई किसी डिव में, कोई किसी जो है वो दूसरी पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ भी हो सकता है समटाइम। ठीक है, यानी जिस एलिमेंट के अंदर जैसे वो आपको सीधी एक एरे बना के देगा, उस एरे को देख के आपको ये नहीं पता चलता कि जी आपको ये कौन सा वाला
जो है ना आपको पैराग्राफ मिला है। अब 150 पैराग्राफ या 150 इमेजेस आपके अगर है आपके पूरे पेज में, पूरे डॉक्यूमेंट में जो इस वक्त लोड हुआ हुआ है, वो पूरी 150 की 150 इमेज आपको एक एरे में ला के दे देगा, IMG के 150 टैग। ये नहीं आपको पता चलता कि वो किधर है, किसके पेरेंट क्या है, किधर लगा हुआ है, कोई हेडर में है, कोई कहीं लिस्ट में है, कोई कहीं साइड बार में। वो बस ऊपर से शुरू करेगा, जो उसको मिलता जाएगा वो उसको भरता जाएगा, और वो सीक्वेंस में आपको इमेजेस के सारे टैग दे देगा। अब इसका ये तो मसला हो गया, अब ये तो मसला हो गया, बताओ क्या मसला हुआ इसमें? कोई मसला समझ आ रहा है कि ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी? हाँ नहीं, मुझे तो सारी इमेजेस उठानी है ना, लेकिन मुझे अब ये कैसे पता चलेगा कि जो मेरे पास 17 इमेज आई है, इसमें से 15वीं नंबर इमेज जो ये है कौन सी वाली, ये किस जगह पे है, इसका पेरेंट कौन है, इसका चाइल्ड कौन है? मिसाल के तौर पे मुझे, मेरे पास जो एक सर्टन पैराग्राफ के अंदर जो इमेजेस है ना, चार इमेजेस मिसाल के तौर, टोटल 17 इमेज थी, चार उसमें से एक सर्टन पैराग्राफ में थी। अब मुझे उन चारों को डिटेक्ट करना है, मुझे उसका टैग नेम पता है, मुझे पैराग्राफ भी पता है, लेकिन अब वो 17 इमेज एक साथ आ गई तो मेरे पास उसमें से मैं इन चारों को अलग कैसे करूँगा? जी दोस्त ने कहा कि एक तरीका तो ये होगा कि हम टैग नेम्स उसको गेट ही ना करें, कि जी चार इमेजेस है ना तो चारों पे कोई ना कोई क्लास भी होगी, एक जैसी क्लास हो सकता है उस पर हो, तो उस क्लास नेम से गेट करेंगे तो वही चारों आएंगी। जवाब सही दिया आपने, लेकिन अगर मुझे टैग नेम से ही करना है तो इसका कोई ऐसा लगता है कोई तरीका आपको हो सकता है? जी दोस्त, नहीं इंडेक्स नंबर से तो मसला हल नहीं होगा, इंडेक्स नंबर से इसलिए नहीं हल होगा क्योंकि वो इमेज हमेशा 15वें नंबर पे नहीं आएगी, कभी ऊपर नीचे भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई नोटिफिकेशन हमेशा ऊपर आती है, तो पेज में जब नोटिफिकेशन अपेयर होगी ना तो वो उसको भी पकड़ के लाएगा, फिर हो सकता है उसमें भी एक इमेज हो, तो फिर वो एक आगे पुश हो जाएगी, वो कभी 16वें नंबर पर आना शुरू हो जाएगी फिर 15वें से। कैसे कैसे पहले हम आईडी को गेट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं ना शुरू में, ये पूरे डॉक्यूमेंट को देखेंगे, हम उस एलिमेंट को लगाएंगे जो मतलब आईडी गेट की है, इसमें डॉक्यूमेंट की जगह होगी। कितने लोग इनकी बात से एग्री करते हैं? तुम एग्री करते हो? जरा रिपीट करो इन्होंने क्या बोला अपने लफ्जों में। हाँ हाँ भाई, और कोई एग्री करता है इनसे जो इन्होंने बात की है? अच्छा क्लैपिंग हो जाए यार, इन दोनों ने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा देखो, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो जो दोस्त ने बताया वही है। अच्छा लेकिन एक तरीका इसका ये हो सकता है कि जी हर एलिमेंट आपको जो 17 के 17 एलिमेंट मिलेंगे ना, हर एलिमेंट पर ना डॉट लगा के उसका चाइल्ड और उसका पेरेंट मिलता है, ठीक है? जैसे इवेंट में मैंने आपसे जिक्र किया था कि इवेंट में क्या होता है, वो उस एलिमेंट से मुताल्लिक सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह जब मुझे कोई एलिमेंट मिल जाता है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एक एलिमेंट उठा लिया मैंने, तो उस एलिमेंट का चाइल्ड अगर कोई है तो वो मैं गेट कर सकता हूँ उस पर डॉट लगा के, ठीक है? डॉट चिल्ड्रन ऐसे करके कुछ आ रहा होता है, डॉट पेरेंट करके उसका पेरेंट भी पता लगा सकता हूँ कि इसका पेरेंट कौन है, सही है? तो किसी भी 17 इमेज पर मैं लूप चलाऊंगा और मैं चेक करूंगा इनमें से कौन कौन ऐसा है जिसका पेरेंट फला पैराग्राफ है, ठीक है? ये भी हो सकता है, लेकिन उससे भी बेहतर जो बेस्ट तरीका है जो दोस्त ने बताया कि जी मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेरी नहीं चला रहा हूँ, ये क्वेरी चला रहा हूँ ना, ये एक फाइंड की क्वेरी है एक्चुअली, जो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाके फाइंड करो, डॉक्यूमेंट में से गेट करो एलिमेंट टैग नेम के जरिए, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं पहले गेट करूँगा जो पैराग्राफ है ना जिसके अंदर चार इमेजेस मौजूद है, मैं उसको गेट करूँगा, मैं कहूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी फला फला पैराग्राफ, वो पैराग्राफ वंस मेरे पास गेट हो गया ना, तो मैं उसके ऊपर डॉट मज़ीद एक क्वेरी चलाऊंगा डॉट लगा के, तो फिर वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेरी नहीं चल रही, वो उस पैराग्राफ में चल रही है, तो उस पैराग्राफ के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे ना इमेज नाम के या पैराग्राफ इमेजेस होंगी जो उसमें, तो वही वाली उठकर आएंगी, आपको मिलेगा स्टिल वो एरे में, लेकिन क्योंकि ये पूरे पेज पे नहीं चली क्वेरी, उस पैराग्राफ में चली है, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अच्छा जी ये इस पैराग्राफ का पार्ट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी समय से ही लाएगा, कहीं और से वो नहीं लेकर आएगा।
ठीक है। तो एलिमेंट्स को मैनिपुलेशन जब होती है ना, इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। इसका भी आगे पूरा चैप्टर आने वाला है कि डॉम मैनिपुलेशन जो है ना, ये पूरी ये हमें करनी पड़ती है समटाइम, ठीक है। वैसे तो फ्रेमवर्क्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो हमें डॉम मैनिपुलेशन करके देते हैं, जैसे अभी हम रिएक्ट का फ्रेमवर्क एक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें वो पूरा डॉम मैनिपुलेशन को ही उसने ईजी बनाया है, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन को उसने आसान कर दिया, इवन दो उसने अपना एक वर्चुअल डॉम बनाया हुआ है कि जी वो यानी डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट जो है आपका पूरा, कि जी ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें से एक एलिमेंट कैसे उठाएंगे अब आप, ठीक है। तो वो पूरा एक मॉडल है, एक उसका पूरा एक एक ख़ास अंदाज में वो सजा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर हर एलिमेंट, ठीक है। तो उस पूरी चीज़ को हम वो डॉम कहते हैं, इस पूरी यानी आप कह लें कि इस पूरे डोमेन को हम डॉम कहते हैं, कि जी इसको किसी आइटम को उठा के इधर उधर करना है, जो भी करना है। वेल तो ये हमने एक बात डिस्कस कर ली जो यहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए थी। अच्छा जी, टारगेट सम एलिमेंट बाई टैग नेम, ठीक है। ये वो वाली बात आ गई कि जी आप ना बजाय डॉक्यूमेंट के ऊपर गेट एलिमेंट लगाने के, आप क्या करोगे, आप किसी खास एलिमेंट के ऊपर ना, जैसे इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूल्स। अब रूल्स के नाम से जो है ना कुछ है, कोई है एलिमेंट, डिव है मेरे ख्याल, कोई ये कोई डिव है, रूल्स के नाम से इसकी आई डी लगी हुई है, उसको इसने उठा लिया इस ई के अंदर, ठीक है। अच्छा फिर अब देखो इस ई पे क्या किया है, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम कर दिया, इस ई के ऊपर डॉट लगा के किया है, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट पे नहीं किया। तो अब उससे होगा क्या कि इस ई में, ये गालबन कोई डिव है, तो इसी डिव में से जो उठ के ना जितने भी पैराग्राफ हैं वो आएंगे, ठीक है। एक डिव है जिसके अंदर तमाम रूल्स लिखे हुए हैं, इसने HTML ऊपर नहीं बताया ना इसका कि क्या है। वेल इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी वो इस तरह से करके एक पैराग्राफ है और इस तरह से करके ना, ठीक है। तो अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जी पहले मैंने ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा है, कह रहा है अगर डॉक्यूमेंट पर डॉट गेट एलिमेंट करते पी लगा के तो पूरे डॉक्यूमेंट से उठ के आता। मैंने एक एलिमेंट पे किया है, खास एलिमेंट पे, तो इस एलिमेंट से आया। अच्छा मिसाल के तौर पर इस एलिमेंट में अगर कोई पैराग्राफ नहीं होता तो मुझे ये एम्प्टी एरे दे देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एक इमेज का एलिमेंट उठाया, इमेज का तो कोई चाइल्ड नहीं होता मजीद, इमेज के एलिमेंट पर मैंने कहा कि भाई गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, तो मुझे एम्प्टी एरे दे देगा चुप करके, सही है, क्योंकि उसके अंदर मजीद कोई चाइल्ड ही नहीं है ना पैराग्राफ है, ठीक है। ये पूरा कोड इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिख के बता दिया कि जी टेबल करके कोई है, टेबल 9 करके कोई टेबल बनी हुई है मोस्ट प्रॉब्ली, इसको उठाया टी करके। अच्छा अब टी के ऊपर इसने देखो क्या चलाया, टी के ऊपर डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम टी डी, यानी कि इस टेबल के टी डी जितने भी हैं, टेबल के सेल जो, एक तो टी एच होता है वो नहीं, सिर्फ डेटा वाला पार्ट, वो सारा इसने उठा लिया जिसको नाम दे दिया सेल्स। अब वो सेल्स वैसे तो ग्रिड में होते हैं एक्स और वाई की पोजीशन, लेकिन ये सीधा उसको देगा उठा के, आपको सीधा किस सीक्वेंस में देगा, जिस सीक्वेंस में वो लिखा हुआ है उस सीक्वेंस से हमको सीधा वो उठा के दे देगा। उसके बाद इसने जो है ना इस पर लूप चलाया और हर सेल के ऊपर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया, तमाम डेटा वाले सेल को इसने पिंक कर दिया बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं और ये सारा कुछ ये डॉम मैनिपुलेशन के अंदर आता है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चैप्टर है डॉम, इसने थोड़ी बहुत बातें तो डॉम की कर ली हैं, लेकिन अब इस पॉइंट पे ये ज़रूरी है कि हम डॉम को ज़रा अच्छे से समझें ना, ठीक है।